दोस्तों चालू करते हैं आज की भी ऑटो न्यूज नंबर 87 एंड आप देख रहे हैं दोस्तों आउटडोर्स आए हुए हैं नेक्स्ट टू अरेबियन सी, जहां ओशन है हमारे इधर। वाओ, थोड़ा आवाज आएगा आपको भी, लेकिन वो भी अच्छा लगता है। एम्बिएंट नॉइज जो पीछे से जो वेव्स के आते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा आपको भी, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में ऑटो न्यूज भी देने वाला हूँ। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारी खबरें लेके आया हूँ। लेकिन एक ऑटो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खबर है दोस्तों। जी हाँ, गवर्नमेंट ने अब ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम अनाउंस की है, वो भी 26,000 करोड़, जी अराउंड दैट मच, और अगले 5 साल में कुछ 42,500 तक देने वाले हैं इंसेंटिव। दिस इज अ शॉट इन द आर्म टू ऑटोमोटिव सेक्टर, दैट इज फॉर श्योर, और ये बहुत जरूरी है। स्मार्टफोन या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए जो PLI दैट वॉज वेरी वेरी सक्सेसफुल, आई होप ऑटो सेक्टर के लिए जो लेके आ रहे हैं वो भी बहुत सक्सेसफुल होगा। वैसे दोस्तों ऑटो न्यूज अच्छी लगती है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके लिए करते हैं, सब बाहर आते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लाइक तो बनता है। चलिए अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं, वो भी ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। दोस्तों व्हाट अ ग्रेट लॉन्च, जी हाँ सेल पे गई वो, और पहले 24 घंटों में 600 करोड़ रुपीज के टोटल सेल्स हुए ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के। ओ माय गॉड, और अभी भी सेल तो चल ही रहा है दोस्तों। पहले तो वेबसाइट डाउन हो गई थी उनकी, इतनी ज्यादा डिमांड थी, लेकिन 600 करोड़, दैट इज क्रेजी। 1 लाख के हिसाब से पकड़ोगे फिर भी 60,000 यूनिट्स बेचे गए होंगे पहले 24 घंटे में। वाओ, ऑलराइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं तो एक लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ऑडी ई-ट्रॉन GT। जी हाँ, ये जो है ये 22 तारीख को लॉन्च हो रही है। वाओ, 480 किलोमीटर उसकी रेंज होने वाली है सिंगल चार्ज पे, एंड 245 किलोमीटर टॉप स्पीड होने वाला है। ऑब्वियसली दोस्तों ये स्पेसिफिकेशन है, तो प्राइस 1.25 करोड़ के करीब या फिर उससे भी ज्यादा हो सकती है। 22 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी खबरें लाते रहते हैं आपके लिए। ऑलराइट, लास्ट न्यूज में मैंने आपको बताया था कि फोर्ड जो है इट इज क्विटिंग इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग जो है बंद कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी उड़ती खबर आ रही है, रूमर्ड खबर है कि MG मॉरिस गैराजेस जो है दोस्तों, वो जो फोर्ड की फैसिलिटी है वो पिकअप करने का सोच रहे हैं, एक्वायर करने का सोच रहे हैं। नाउ आई एम नॉट 100% श्योर, जैसे मैंने कहा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ये रूमर है, अगर होता है तो ये फोर्ड के लिए भी अच्छा है एंड MG के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो बहुत सारी गाड़ियां लेके आने वाले हैं और इधर ही अगर वो बिल्ड करेंगे दैट विल बी रियली नाइस। माइक्रो SUVs आर गेटिंग पॉपुलर दोस्तों, जी हाँ बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और अब सिट्रोइन भी लेके आ रहा है उनका C3, ये भी 1.2 लीटर इंजन के साथ ही आने वाला है और बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा ये। सो बेसिकली दिस इज अ माइक्रो SUV एंड टाटा पंच वगैरह जो अब लॉन्च हो रहे हैं उनके साथ कम्पीट करने वाला है। जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत बार, हैचबैक्स अब रिप्लेस हो रहे हैं माइक्रो एंड मिनी SUVs के साथ, मिनी नहीं कॉम्पैक्ट SUVs के साथ। ऑलराइट, टू व्हीलर्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों, अब TVS 125cc सेगमेंट मोटरसाइकिल में आ गया है। जी हाँ, TVS रेडर लॉन्च कर दिया उन्होंने, स्टार्टिंग प्राइस 77,500 से लेके 85,000 तक है, रेंज है इसकी। ओवरऑल दोस्तों ये जो है स्पोर्टियर लुकिंग गाड़ी है, जी हाँ, जो उनके नॉर्मल मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं ऊपर हाई एंड वाले उनके जैसी कुछ दिखती है, बट प्राइस जो है वो कम्यूटर व्हीकल की आई हुई है, कम्यूटर मोटरसाइकिल की आई हुई है। सो या नाइस वन, देखते हैं अब कितनी पॉपुलर होती है। ऑलराइट दोस्तों, पॉपुलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो R15 बहुत पॉपुलर है इंडिया में, अब उसका और एक स्पोर्टियर वेरिएंट, प्रीमियम वेरिएंट आ रहा है R15M, जी हाँ 21st को ये लॉन्च होने वाला है। सो या R15 गेटिंग इवन मोर पॉपुलर विद M, लेट्स होप इट डज। ऑलराइट दोस्तों, इधर ऑटो न्यूज होती है खत्म, लेकिन ऑटो फैक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या आपको पता है दोस्तों, टोयोटा ने कुछ 15 मिलियन हाइब्रिड व्हीकल्स बेचे हुए हैं, पहली बार ऐसे हुआ है दोस्तों कि 15 मिलियन हाइब्रिड व्हीकल्स बेचे, वो भी एक ही कंपनी, और वो है टोयोटा। सो गुड ऑन टोयोटा, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कौन बाजी मारने वाला है वो देखना है, अभी 2021 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे जाएंगे ग्लोबली, आपको पता है कमेंट्स में नीचे जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वैसे कैसे लगा आज का आउटडोर ऑटो न्यूज, और लेके आए आपके लिए ऐसे कुछ जरूर बताएगा, और भी कुछ फीडबैक होगा नीचे कमेंट्स में टेल अस राइट नाउ। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रकिंग एंड ड्राइव सेफ।